तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभी क्रिएशन में। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि देवघर में अगर हम बाबा मंदिर जाते हैं तो कौन सा होटल अच्छा होगा और जहां पे पार्किंग फैसिलिटी हो साथ में रेस्टोरेंट भी हो। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वही होटल का एड्रेस। तो हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गिरजा सनराइज एंड होटल रिसोर्ट गिरजा सनराइज होटल एंड रिसोर्ट। तो ये अभी जैसे कि मुझे बताया भैया, ये हमारा सोफा रूम, और सोफा रूम में आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एसी मिल जाएगा, और दूसरी बात यहाँ पे अपना कोई भी कपड़ा वगैरह रखने के लिए ये वार्थ डोर बोल सकते हैं या तो अलमारी बोल सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ जो लिविंग रूम जहाँ पे आपको रहना है सोना है वो जगह। तो ये देख सकते हैं हमारा बोल सकते हैं बेडरूम, और ये बेडरूम देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो बेड का कितना स्पंज कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात इनकी जो साफ़ सुथरा सफैया वगैरह जो करता है, देख सकते हैं साफ़ सुथरा काफ़ी है, नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में आपको बता दूं कि इसमें जो है ना एक पर्सनल आपके लिए एसी भी अवेलेबल है, ये देख सकते हैं एसी है। और अगर आप बोर हो जाएं, अगर आपको रूम में कुछ नहीं मिल रहा है बोर होने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक LED मिल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट कर सकते हैं अपना। और साथ में यहाँ पे दे सकते हैं बॉटल, और यहाँ पे टी या कॉफ़ी ये सारे चीज़ अवेलेबल है जो आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी एक इनको मैं खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे भी अपना कुछ भी कपड़ा वगैरह जो रखना है, यहाँ साथ में हैंगर भी अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और हाँ, मेन चीज़ और जो एक आप लोग देखते हैं बाथरूम की कैसी है व्यवस्था है उसका, ये यहाँ पर है टॉयलेट बोल सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं ये टॉयलेट है, और ये टॉयलेट भी अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे वॉश वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, और ये टॉयलेट है। साथ ही आप यहाँ पे नहाने के लिए बाथरूम वगैरह, और साथ में यहाँ पे टॉवल वगैरह भी है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं टॉवल वगैरह सारा नीट एंड क्लीन दिखेगा। और ऊपर में अगर आप देखें जगुआर का एक गीजर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं जगुआर का एक गीजर लगा हुआ है, यहाँ से आपको पानी जैसा भी चाहिए गर्म ठंडा वो सारा मिल जाएगा। अब आगे मैं आपको इनकी बालकोनी है जो उनको मैं दिखाता हूँ, और ये बालकोनी से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे मुझे मिला, यहाँ पे एक आपको इस तरह करके नॉट यहाँ पे एक बुक मिलेगा जिसको हम लोग मेनू बोल सकते हैं, इसमें मेनू दिया है इन रूम मेनू, जो भी चीज़ आपको चाहिए खाने का मंगाना है जो भी ऑर्डर करना है, तो यहाँ पे सबका रेट दिया गया है, प्लस नाम भी दिया है कि क्या क्या चीज़ है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक टेलीफोन मिलेगा, बस इनको उठा के
बात करनी है, जो भी चीज़ मंगाना है, जो भी चीज़ इस मेनू में आपको पसंद है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे सर्व करने के लिए आपके पास आ जाएंगे जो भी यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे एक आपको बालकोनी भी मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ से आप बाहर के नज़ारा को देख सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छा खासा जगह दिख जाएगा और देखने में बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक दिखा देता हूँ, यहाँ से बहुत दिख सकता है, ये आपका बोल सकते हैं बालकनी का नज़ारा। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ये रूम बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ा सा मैं भी हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सारा चीज़ मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे जैसे कि आपने बताया था कि मुझे एक चाहिए रहने, मतलब कि जो पार्किंग एरिया वो भी अवेलेबल है और रेस्टोरेंट में इसके अंदर अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा है। तो ये था हमारा इस होटल का रिव्यू, और जैसे आपने बताया तो मैंने आपको दिखाया, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये होटल कैसा रहा। और हाँ, तो अब ये जगह कहाँ पे है उस चीज़ को मैं बता दूँ कि आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, वहाँ पे आपको इनका एड्रेस, वैसे भी मैं एड्रेस बता ही दूँगा शुरू में, और एड्रेस आपको मेंशन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट मिलेगा, ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आगे जो भी